हम एज अ कैपेसिटर क्यों नहीं यूज कर सकते हम सिंगल कंडक्टर को ही सिर्फ क्यों नहीं यूज कर सकते ताकि वो क्या कर सके ढेर सारा चार्ज स्टोर कर सके तो क्या था रीजन उसके पीछे का कि हम एक सिंगल कंडक्टर को एज अ कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते रीजन ये था कि एक सिंगल कंडक्टर उतना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता अगर हम चाहते हैं कि कंडक्टर एक, एक फैरड का चार्ज एक फैरड का कैपेसिटेंस कैरी करे या एक कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस से एक फैरट हो सके उसके लिए उसका साइज अर्थ के साइज से लगभग पंद्रह सौ टाइम्स या फिफ्टीन हंड्रेड टाइम ज्यादा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है क्योंकि अर्थ पर रह करके अर्थ फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स बड़ा कंडक्टर तो हम बना नहीं सकते तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम एक सिंगल कंडक्टर ना यूज करके कई सारे कंडक्टर्स का अरेंजमेंट या दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट यूज करें और उसमें हम एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कराएं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ठीक है तो यहां से ही इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट तो हमें हम शुरू करेंगे इस लेक्चर को यह समझते हुए एक सिंगल कंडक्टर के क्या ड्रॉबैक्स हैं जिस वजह से हम उसको ऐसा कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चलिए ठीक है तो देखिए होता क्या है बेसिकली जो हमारा सिंगल कंडक्टर होता है ना उसकी सरफेस पर जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं स्टोर करते हैं तो उसके चारों तरफ देखो सरफेस पर चार्ज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सरफेस पे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और सरफेस पे अगर आप चार्ज देते चले जाओगे तो सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बढ़ती चली जाएगी इंक्रीज करती चली जाएगी सर्फेस का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा तो सर्फिस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैं ब्रेकडाउन पॉइंट भी बोलूंगा एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आस का जो सराउंडिंग मीडिया है उसको आयनाइज करने लगे आयोनाइज करने से मेरा मतलब यह है कि सराउंडिंग में प्रेजेंट जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयन्स में ब्रेकडाउन हो जाएंगे कोई भी मॉलिक्यूल में दो तरह के आयन्स होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन बेसिकली ठीक है तो क्या होता है कि वो आयंस में ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो सराउंडिंग में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आ जाएंगे जिससे होगा क्या अगर कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जितने भी निगेटिव आयंस सराउंडिंग में क्रिएट हुए वो सब कंडक्टर पर आकर के डिपॉजिट होंगे और कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे अगर वही कंडक्टर निगेटिव चार्ज का हुआ तो जो भी आसपास के जितने भी पॉजिटिव आयंस थे वो कंडक्टर पर आएंगे और आकर के जितने भी निगेटिव चार्ज थे कंडक्टर पर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे इसको हम चार्ज का लीक अवे होना भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर का चार्ज है वो लीक होने लगेगा तो एक लिमिट है कि हमें

सॉरी द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग एयर गेट आयोनाइज ठीक है ये बात मैंने अभी आपको डिस्कस करी ब्रेकडाउन अकर्स इन द इंसुलेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड द चार्ज पुट ऑन द कंडक्टर गेट न्यूट्रलाइज और लीक अवे तो जो भी आयंस क्रिएट होंगे सराउंडिंग वो क्या करेंगे कंडक्टर के चार्जेस को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे या जो कंडक्टर का चार्ज है वो लीक होना शुरू हो जाएगा आगे क्या लिखा है फॉर ए द ब्रेकडाउन पॉइंट अक एट दील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ थ्री 6 टेन सिक्स वोल्टीटर और जो हमारा एयर है उसके लिए जो ब्रेक डाउन पॉइंट है वो थ्री इंटू टेन्वर वोल्ट पर मीटर मतलब कोई भी कंडक्टर सराउंडिंग में थ्री इंटू टेन की पावर सिक्स वोल्ट पर मीटर से ज्यादा या इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट करने लगेगा तो उस कंडक्टर के चार्जेस न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे दिस पुट्स अ लिमिट ऑफ अ कैपासिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मोर ओवर इफ यू टेन टू हैव अंगल कंडक्टर लार्ज कैपासिटेंट इट विल हैव प्रैक्टिकली इनकिनियंट लार्ज साइज और अगर हम चाहते हैं कि सिंगल कंडक्टर को हम यूज करें चार्ज स्टोर करने के लिए तो उसके लिए उसका साइज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए इसीलिए हम सिंगल कंडक्टर को यूज नहीं कर सकते आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी आगे बढ़ते हैं तो अब हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट जो एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर सके जो प्रैक्टिकली जिसका हमें यूज है ठीक है तो अभी हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल को यूज करते हैं या कैपेसिटर के प्रिंसिपल को समझते हैं सबसे पहले कि कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है क्या या कैपेसिटर का प्रिंसिपल है क्या चलिए यहां पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम बना है इस पर बाद में आएंगे यहां पर आप देखिए अगर मेरे पास मान लेते हैं एक प्लेट है ए और वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है वो प्लेट क्या है पॉजिटिवली चार्ज ठीक है ध्यान से समझिएगा इस चीज को वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज अगर यहां कोई चार्ज क्यों है तो ये प्लेट पर इस चार्ज को लाने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वर्कडन करना पड़ेगा यानी प्लेट ए का कुछ पोटेंशियल होगा ए का कुछ पोटेंशियल होगा मान लेते हैं प्लेट का पोटेंशियल भी ए तो प्लेट ए पर अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मैं लाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा ठीक है तो प्लेट ए का कुछ पोटेंशियल है अपना अब यहां पर मैं एक दूसरी प्लेट को इंट्रोड्यूस करूंगा प्लेट बी को यहां मैंने एक दूसरी प्लेट प्लेट बी इंट्रोड्यूस कर दी और ये न्यूट्रल थी ये न्यूट्रल प्लेट थी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इस प्लेट पर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो जैसे ही एक न्यूट्रल प्लेट प्लेट ए के बगल में आएगा तो होगा क्या जैसे ही एक न्यूट्रल प्लेट प्लेट ए के बगल में आएगा तो क्या होगा न्यूट्रल प्लेट पे जो भी वो प्लेट ए के साइड चले जाएंगे जो ये प्लेट है उसके एक साइड पर निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे और दूसरे साइड पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा क्यों हुआ है आपको पता चल गया होगा इंडक्शन की वजह से हुआ है किस वजह से इंडक्शन के चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं प्लेट ए में जो भी निगेटिव चार्ज था वो प्लेट आ, प्लेट बी में जो भी, निगेटिव हो, प्लेट के चला गया, और जितना भी गया अब क्या, क्या फर्क पड़ेगा इसको समझते हैं देखिए ये जो क्यू चार्ज है आपका ये प्लेट ए पर आना चाहता था ठीक है अब यहां पर हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है जितना वर्क डन हमें पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा प्लेट ए पर लाने के लिए वो हमारा पोटेंशियल होगा ए का लेकिन जैसे ही बी वाला प्लेट आया तो जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से अब इस क्यू को लाने के लिए हमें थोड़ा कम वर्क डन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि तो निगेटिव चार्ज हमें सपोर्ट करेगा चार्ज को लाने में मदद करेगा तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी जैसे अगर आपको एक ब्लॉक को अकेले धक्का देना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर कोई आपको सपोर्ट करने लगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से आप प, आप पहले खुद अकेले चाह रहे थे कि क्यू इधर आ जाए तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ा था प्लेट ए का पोटेंशियल ज्यादा था लेकिन अब प्लेट बी का निगेटिव चार्ज भी चाहता है कि चार्जे आ जाए प्लेट ए की तरफ तो हमारा वर्क डन कम होगा मतलब पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा प्लेट बी को लाने से प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा अभी बात पूरी नहीं हुई है सुनना आगे <coughs> लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज भी तो है प्लेट बी पर सिर्फ निगेटिव चार्ज थोड़ी इंड्यूस हुआ है पॉजिटिव चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज चाहेगा नहीं ये क्यों नहीं आ सकता ये क्यू को रोकेगा प्लेट ए पर आने के लिए तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाएगा प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाएगा तो ओवरऑल अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो प्लेट ए के पोटेंशियल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पहले भी जितना वर्कडन करना पड़ रहा था अभी भी उतना ही करना पड़ रहा है प्लेट बी के आने की वजह से लेकिन अगर हम प्लेट बी के पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दें जैसे यहां पर करा हुआ है अगर हम थोड़ा सा फ्लिकर हो रही है स्क्रीन कोई बात नहीं आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है तो यहां पर देखो यहां पर अगर प्लेट बी के पॉजिटिव चार्ज को मैं ग्राउंड कर दूं तो प्लेट बी पर बचेगा क्या ग्राउंड करने का मतलब मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं अर्थ क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे ठीक है तो क्या बचेगा प्लेट बी पर निगेटिव चार्ज बचेगा अब आपको खुद आंसर पता चल गया होगा क्या होने वाला है हो, हो, मैंने मिटा दिया चलो ठीक कोई बात नहीं अब आपको खुद ही आंसर पता चलेगा अब होने वाला क्या है अगर आप प्लेट बी के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हो ये प्लेट ए हो गया हमारा ठीक है प्लेट ए हो गया हमारा स्क्रीन के फ्लिकरिंग पर ध्यान मत दीजिए ज्यादा कोई बड़ा इशू है नहीं है कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं ठीक है यहां निगेटिव चार्ज और हमने क्या कर दिया था पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दिया तो अब आपको आंसर पता चल गया अब जो डन आपको पहले करना पड़ रहा था अब उतना वर्धन आपको नहीं करना पड़ेगा मतलब पोटेंशियल घट जाएगा जो ओवरऑल पोटेंशियल है सिस्टम का पहले सिर्फ वी ए था प्लेट बी के आने की वजह से पोटेंशियल आ गया लेकिन भी भी क्या कर रहा है भी भी आपका पोटेंशियल पर है तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया सिस्टम का अरेंजमेंट का अरेंजमेंट मतलब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल घट गया पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो गया घट गया देखो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल घट गया अब पोटेंशियल घट गया तो अब क्या हो गया पोटेंशियल घटने से क्या फायदा हुआ देखिए अब आप इस पर और ज्यादा चार्ज आप प्लेट ए को और चार्ज दे सकते हैं प्लेट ए को और चार्ज क्योंकि प्लेट नहीं आएगा। मतलब अभी भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाएगा जिससे आसपास की सराउंडिंग क्या हो जाए आयनाइज हो जाए जिससे सिस्टम ये, ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे कैपोसिटक आ रही है बात समझ में तो इस तरीके से दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट क्या होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जो चार्जेस को स्टोर करे उस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं दो कंडक्टर के होने से क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की वो ज्यादा हो जाती इंक्रीज हो जाती कैसे हो जाती हमने डिस्कस करी और इसी को हम क्या कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं कैपेसिटर बहुत तरह के होते हैं ठीक है स्पैरिकल कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी देखिए क्या है कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या लिखी है अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम देखिए कंडक्टर्स जो होते हैं ना उनके बीच में अगर कंडक्टिंग मीडियम लगा दोगे तो उस क्या होगा खुद ही सोचो जितना भी चार्जेस था निगेटिव चार्ज एक प्लेट पर वो दूसरे पर जाकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज न्यूट्रल होगा स्टोरी नहीं हो पाया फिर तो चार्ज तो यहां पर इसीलिए जो दो कंडक्टर्स होते हैं ना उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब ये है जैसे एक कंडक्टर ये एक कंडक्टर ये कंडक्टर ए ये है कंडक्टर बी ये है इस पर पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं इस पर निगेटिव चार्ज है तो अगर यहां पर कंडक्टिंग मीडियम आ गया तो 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 बी का चार्ज ये चला जाएगा ना तो फिर तो स्टोर नहीं कर पाएंगे हम तो चाहते हैं कि प्लेट्स चार्ज स्टोर करें लेकिन प्लेट्स में अगर आप कंडक्टिंग मीडियम डाल दोगे तो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हमें चार्जेस को न्यूट्रल नहीं करना है तो इसलिए इनके बीच में होता है कोई इंसुलेटिंग मीडियम जैसे एयर हो गया या कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हमने इंसर्ट कर दिया ठीक है इंसुलेटिंग मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यहां पर क्या है यहां पर आपका जो कंडक्टर होता है सॉरी कैपेसिटर होता है वो अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये होता है हमारा कैपेसिटर आगे बढ़ते हैं

जो आपके सिस्टम का जो वोल्टेज है उसको एक वोल्ट से इंक्रीज कर पाए जैसे यहां पर क्या है फिर से मैं पढ़ता हूं द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दम यूनिट अमाउंट मतलब उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यूनिट अमाउंट यानी वन वोल्ट से बढ़ जाए उसके लिए जितना चार्ज हमें सप्लाई करना पड़ता है किसी एक भी कंडक्टर को

प्लेट ए को पोटेंशियल देने पर अब पहले दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था लेकिन अब ए के पास कुछ पोटेंशियल आ गया तो अब पोटेंशियल जीरो नहीं रहेगा अब पोटेंशियल जीरो नहीं रहेगा तो जीरो नहीं रहेगा अगर ये पोटेंशियल वन वोल्ट हो जाता है अगर हमने चार्ज दिया और पोटेंशियल कितना हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाता है वोल्ट हो जाता है तो जितना चार्ज आपने दिया वही इसके कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस की की कैपेसिटर के वैल्यू है यानी जो भी चार्ज आप दे रहे हो जिससे इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या दो कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट से इंक्रीज कर जाए वही इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है तो यानी जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के सॉरी ये तो नहीं होगा हमारा जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होता है है पोटेंशियल डिफरेंस के हमारा जो चार्ज चार्ज क्योंकि आप आप क्या कर रहे हो आप दे दो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा हमारा तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे और एक कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे सी कैपेसिटेस क्यूज टू सी वी

ठीक है फैरड होती है और छोटी यूनिट्स क्या होती है मिली फैर माइक्रो माइक्रोफेड पीको फैरड ये छोटी यूनिट्स होती है कैपेसिटेंस की ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ठीक है अब बात करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है देखिए अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह करी वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही दिमाग में रख के करी आपने भी कुछ वैसे ही देखा यहां देखिए दो हमारे पैरेलल प्लेट्स हैं पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ठीक है एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया एक को निगेटिवली चार्ज कर दिया तो ये अब क्या कर रहा है ये एक सिस्टम एक चार्ज स्टोर कर रहा है तो देखो यहां पर क्या होगा अब इसको मैं और अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हूं जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टर हैं दो पैदल प्लेट्स कंडक्टर हैं दोनों न्यूट्रल थे दोनों न्यूट्रल थे तो क्या होगा जैसे ही आप इन दोनों प्लेट्स के अरेंजमेंट को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा प्लेट एसी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा प्लेट एसी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा यहां से प्लेट एसी प्लेट एसी इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा प्लेट एसी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो प्लेट ए क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी में जाएगा तो बैटरी वकडन करेगी और वकडन करके उन इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेज देगी उन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट बी पर भेज देगी तो प्लेट बी क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा

आगे अब कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास कितना कैपेसिटेंस होता है इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक पैलल प्लेट है ये पूरा एक पैलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट है एक प्लेट पर मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरे प्लेट पर नहीं देखो तो जितना ये पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ही ये निगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि अभी मैंने बताया बैटरी का काम है सारा प्लेट्स तो न्यूट्रल रहती है नॉर्मल केस में जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो जो भी चार्ज एक प्लेट का होता है जो बैटरी से कनेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड जो भी प्लेट होती है उससे इलेक्ट्रॉन जितना ये बैटरी निकालती है उतना ही दूसरे प्लेट को सप्लाई करती है लेकिन नेचर अलग है।, एक पर है तो एक पर क्या है, और आपको पता है अगर प्लेट से पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ठीक है तो अब आपने याद करो लॉ जब हम कर रहे थे और पैरेलल प्लेट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि एक प्लेट सॉरी एक प्लेट अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है कितनी करती है ये एक प्लेट है। ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है एक तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है और अमाउंट क्या होता है अगर आपको याद हो अच्छे से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट क्रिएट करती है वो कितना करती है इज इक्वल्स टू सिगमा अपॉन टू एफ नोट करती है कुछ याद आया नहीं आ रहा है तो गॉस लॉ जाके देखिए गॉस लॉ में जो दूसरा एप्लीकेशन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल प्लेट ठीक है इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट वाला नॉट पैरेलल प्लेट इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट वाला आप डेरिवेशन जाके देखो उसमें आप देखोगे कि कोई प्लेन शीट जो है वो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है तो वो करती सिग्मा अपॉन टू तो एपसाइड नॉट ठीक है तो यहां पर अब आप देखो ये प्लेट भी सिग्मा अपॉन टू एपसाइड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी ये प्लेट भी जो है ये प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी सिग्मा अपॉन टू एफ नॉट ठीक है देखो दोनों पर चार्जेस सेम है दोनों प्लेट की एरिया सेम है तो चार डेंसिटी भी सिग्मा ही दोनों की मान लेते हैं दोनों चार डेंसिटी क्या होता है चार डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया तो चार्जेस तो दोनों पर सेम है दोनों की एरिया भी सेम मान लेते तो सिग्मा भी सेम हो जाएगा दोनों का अब देखो ये मानगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की फील्ड इधर की होगी ठीक है ई इधर को होगा और ये भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये भी प्लेट है

क्यों हो जाएगी क्यों क्योंकि टू नॉट अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा तो टू सिग्मा टू से टू कैंसिल हो जाएगा सिग्मा अपॉन अपन नॉट बच जाएगा ठीक है तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस रीजन में इन दोनों के बीच अच्छा प्लेट के इस तरफ और इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्यों नहीं होगी इसको भी समझ लेते हैं प्लेट की इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी ईवन इस तरफ होगा और E2 की डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगी ना ये प्लेट है ये थोड़ी कि ये प्लेट ये प्लेट आ गई तो इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं होगी इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का इस प्लेट से कोई लेना देना नहीं है हर प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस रखती है तो ई का डायरेक्शन इधर होगा और ई कितना होगा ई टू अभी अपन टू एफ साइड में होगा तो ईवन ई टू अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम कंडीशन इधर होगा प्लेट की वजह से इस वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी और इस वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर को मैग्नीट्यूड सेम तो 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 कैंसिल इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जो कैपेसिटर कैपेसिटर होता है ना के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड द कैपेसिटर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं इस चीज को तो यहां पर हमें पता चल गया कि प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है वो है आपकी सिग्मा अपॉन एप नॉट ठीक और याद करो चैप्टर टू में ही हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है मान लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है मान लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है एज इक्वल्स टू वी डी होता है तो यहां से वी क्या हो गया यहां से वी हो गया ए इंटू डी V क्या हो गया ए इी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है प्लेट्स के बीच की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कितनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है और हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल चार्ज अपॉन पोटेंशियल तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान से यहां पर चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं अभी मैंने बोला जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज अपॉन एरिया होती है अब मैंने माना कि इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा है तो सिगमा चार्ज अपॉन एरिया तो चार्ज क्या हो गया चार्ज हो गया सिग्मा इंटू एरिया ठीक है अब ये फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे हम चार्ज की जगह पर सिग्मा इंटू एरिया रखेंगे

यानी हमारा कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा तो हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा मीडियम पर 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 देखो ये ये तब है है जब यहां यहां बीच में एयर मीडियम मीडियम बदलोगे चेंज हो जाएगा तो पर पर डिपेंड करता है प्लेट्स की एरिया कितनी है और दोनों प्लेट्स कितनी दूर पर रखी गई हैं इन फैक्टर्स पर किसी भी कंडक्टर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक है सीक्वेंस क्या पहले ये लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है ठीक है प्रॉपर सीक्वेंस में करिए इसको करिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जाए आज हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ठीक और कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कैपेसिटर के मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह हो गया उन सब की बात करेंगे कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है ये सब डिस्कस करेंगे मतलब दो लेक्चर लगेगा अभी इसको कंप्लीट करने में हमारे कैपेसिटर को प्लेट कैपेसिटर को ठीक है हालांकि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है उसका खाली एक्सप्रेशन हमें याद रखना है डेरीवेशन नहीं लेकिन हम डेरीवेशन वगैरह भी समझेंगे चलिए आगे बढ़ते अब यहां पर देखिए अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो एरिया पर करता है प्लेट्स की एरिया क्या है डिस्टेंस कितना है प्लेट्स के बीच का और मतलब मीडियम कौन सा है ठीक है प्लेट्स के बीच का मीडियम कौन सा है ये ई नहीं होगा ये एप्सिलॉन होगा ठीक है ये एप्सिलॉन होगा इसको एप्सिलॉन कर लेते हैं ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का मतलब क्या मान लेते हैं हम कई सारे कैपेसिटर्स को कई सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक साथ लगा देते हैं तो वो किस तरीके का मतलब वो कितना चार्ज स्टोर करेगा या कितना नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा इन सब की बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं इसको मान लेते हैं हमारे पास कैपेसिटर्स थे हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन हमने एक बैटरी से सारे कैपेसिटेंस को सीरीज से इसका इसके कैपेसिटेंस के वैल्यू सी वन ले लेते ले हैं इसके कैपेसिटेंस के वैल्यू सी टू लेते हैं ये सी एन हो गया बीच में बहुत सारे कैपेसिटेंस है ठीक है अब ये सीरीज है सीरीज में क्या होता है प्लेट टू प्लेट कनेक्शन होता है प्लेट टू प्लेट कनेक्शन होता है ठीक एक कैपेसिटर है उसके प्लेट के साथ दूसरी प्लेट कनेक्टेड होगी ऐसे होता है तो अब यहां पर होगा क्या बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको कर देगा पॉजिटिवली चार्ज

यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा न्यूट्रल करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस प्लेट से ये वाला कैपेसिटर का प्लेट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा जैस अब देखो ये जितना पॉजिटिव हो, चार्ज होगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे और उतना इधर पॉजिटिव चार्ज तो जितने इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितने ये पॉजिटिव चार्ज हुआ था यानी उतना पॉजिटिव चार्ज ये भी हो जाएगा और ये क्योंकि न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल होने के बाद ये वाला जो प्लेट है हमारा वो निगेटिवली चार्ज हो गया क्या हो गया निगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि ये जितने भी जो भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था इधर इस वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया सर निगेटिव चार्ज बचा ठीक है अब सेम सेम कहानी यहां पर होगी सेम कहानी क्या होगी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया होगा बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा बगल वाले प्लेट्स और न्यूट्रल हो गया होगा सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा ऐसे करते करते सारे प्लेट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा ध्यान से समझना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सारे कैपेसिटर को मिलता है कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ भी हो चार्ज कैसा मिलेगा इक्वल मिलेगा क्योंकि आप मैकेनिज्म समझो ना भाई बेसिक समझो बेसिक क्या हो रहा है बैटरी से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर बैटरी के पॉजिटिव कनेक्टेड है बैटरी जितनी जितनी देखो जीतनी तुम बैटरी लगाओ उस पर भी तो डिपेंड करेगा क्यों कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बैटरी ने क्या किया इससे इलेक्ट्रॉन खींचा यह पॉजिटिव चार्ज हो गया इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट ने इसको इंड्यूस किया इंडक्शन हुआ यहां पर इस तरफ आया नेगेटिव चार्ज इधर आया पॉजिटिव चार्ज तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज आया इस प्लेट ने क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है ना वायर से तो इस प्लेट ने अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज था उतना यही निगेटिव चार्ज हो गया और क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर खींचा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा जितना ये निगेटिवली चार्ज हुआ है उतना ही यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसे करके सारे कैपेसिटेंस पर आ जाएगा ठीक है अब हमें पता है कि क्या होता है सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है डिवाइड हो जाती है सीरीज़ में वोल्टेज क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारा नेट वोल्टेज वी है वो क्या होगा वी वन प्लस वी टू प्लस सारे वोल्टेजेस का सम देखो भैया सभी वोल्टेज जो बटी है उनका सम कर दोगे तो वापस आपको बैट, बैटरी की वोल्टेज नहीं मिल जाएगी जो हर कैपेसिटेंस को वोल्टेज मिली है अगर उसको आप सम कर दोगे तो आपको बैटरी की वोल्टेज वापस नहीं मिल जाएगी भाई बैटरी की वोल्टेज वापस मिल जाएगी तो अब क्या है यहां पर अब आप देखोगे आपने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है कि क्यू इज सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है या यूं कह लो वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी हो जाएगा ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बैटरी की वोल्टेज की बात करूं तो बैटरी की वोल्टेज क्या इस कैपेसिटेंस पर डिपेंड करी या क्या इस पर कर रही नहीं बैटरी की वोल्टेज सभी पूरे नेट कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगी और बैटरी पे चार्ज कितना जा रहा है बैटरी के पास चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है बैटरी के पास चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो सभी कैपेसिटेंस से निकला हुआ है तो यहां पर अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी की जो वोल्टेज है वो तो लेकिन जो वो नेट, यानी जो नेट उस पर यह बैटरी की वोल्टेज डिपेंड करेगी उसी तरीके से जो हमारा वीवन होगा वो Q अपॉन सी वन होगा क्यों क्योंकि इस कैपेसिटेंस चार्ज कितना है Q है कैपेसिटेंस कितना है वैसे ही V2 जो होगा जो सेकंड कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज होगा वो ये होगा उसी तरीके से जो Vn होगा वो क्या होगा Q अपॉन सी होगा अब देखो अब यहां पर इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं जो भी हमारा आया है हमें क्या मिला है V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 प्लस वी मिला है तो यहां से वी क्या आ जाएगा वी हमारा देखो अच्छा वी क्या होगा वी होगा सी अपॉन क्यू अपॉन सी क्यू वाल वी क्या होगा वी आपका होगा क्यू अपॉन सी v2 क्या होगा q upon c2 v, vn क्या होगा q upon cn अभी देखो जितना चार्ज सारे कैपेसिटेंस से निकला है, वही तो बैटरी में जा रहा है तो यहां पर सारे चार्जेस तो सभी इक्वल हैं यहां पर जो बैटरी में नेट चार्ज जा रहा है वो भी और जो कैपेसिटेंस पर चार्ज आ रहा है वो भी तो यहां से क्या होगा आपका चार्ज कैंसिल हो जाएगा तो हमने देखा जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो हो रहा है 1 C equivalent will be equals to one upon C one plus one upon C two plus one upon C सी जितने भी हैं उनका ऐसे आप reciprocal करके add कर दोगे तो आपको net capacitance आपका मिल जाएगा ठीक है।, है तो इस तरीके से आपका series में आप देख सकते हो resistance में जो parallel वाला case था वो capacitor में series वाला case है ठीक है note down कर लीजिए इसको ठीक है इसको लिख लीजिए pause करके इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए आप लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे आप ठीक है जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन हो उसको पॉज करके लिख लिया करो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको लिख लेना पॉज करके ठीक है मैं बिल्कुल क्लियर हो जा रहा हूं बोर्ड से आप इसको लिख लिख पहले पौस, पहले पॉज कर लेना लिख लेना यहां पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पैल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अब पैलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे तो देखो यहां पर पैल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये मेरा कैपेसिटेंस है ये मेरा दूसरा कैपेसिटेंस है ये मेरा तीसरा कैपेसिटेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सभी प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से यहां पर क्या होता है सभी कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है मान लेते बैटरी से मैंने दो तार निकाली उन दो तारों को इस कैपेसिटर से भी जोड़ दिया इससे भी जोड़ दिया तो बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता यह है कि सबको अलग अलग सबको बैटरी के बैटरी से सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलती है पैरेलल में क्या होता है सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्योंकि सभी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो सभी बैटरी से अगर डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो जो बैटरी होती है सभी पर डायरेक्ट वर्क डन करती है सभी कैपेसिटेंस पर और सभी से जितना उनका कैपेसिटेंस है उस अकॉर्डिंग उनसे क्या करती है उनसे चार्ज मतलब इधर से वो निगेटिव मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी इससे भी तो सबसे अलग अलग अमाउंट का इलेक्ट्रॉन खींचेगी जो कैपेसिटेंस जैसा होगा उसे उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन बैटरी अलग अलग इलेक्ट्रॉन जब सभी कैपेसिटेंस से लेगी तो सभी पर जो चार्जेस आएंगे वो सभी पर चार्जेस क्या आएंगे अलग अलग आएंगे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं आएगा सभी कैपेसिटर पर क्या होगा अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा सभी अलग अलग अमाउंट से चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ यहाँ पर जो बैटरी को मिलने वाला नेट चार्ज है बैटरी को मिलने बैटरी बैटरी को मिलने वाला नेट चार्ज ये अगर पॉजिटिव चार्ज अगर मान लेते हैं बैटरी से निकल रहा है हम ये समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज बैटरी में आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज जाना या पॉजिटिव चार्ज का जाना बात सेम है तो बैटरी से जितना पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है वो तो सारा ही चार्ज जो होगा जो भी कैपेसिटेंस को चार्जेस मिल रहे हैं उसके सम के बराबर होगा उसके सम के बराबर होगा और हमें पता है q cv होता है तो जो बैटरी का नेट वोल्टेज है वो क्या किसी एक कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा नहीं जो टोटल चार्ज क्यू बैटरी में जा रहा है जो पॉजिटिव चार्ज बैटरी में जा रहा है वो सभी से निकल के जा रहा है ना तो यहाँ पर जो हमारा टोटल चार्ज क्यू है वो सी क्यू एलेंट पर डिपेंड करेगा और टोटल वोल्टेज और तो बैटरी पर डिपेंड करेगा वहीं अगर क्यू वन की बात करें तो क्यू वन सी वन पर डिपेंड करेगा ठीक है और वोल्टेज तो सी वन को या सी वन को वोल्टेज वी ही मिल रही है उसी तरह से जो हमारा दूसरा कैपेसिटेंस होगा उससे कितना चार्ज निकलेगा सी टू इंटू वी के बराबर वैसे ही जो हमारा सीएन कैपेसिटेंस होगा उससे कितना चार्ज निकलेगा सीएन टू वी के बराबर इन सभी को इसमें पुट कर देंगे अब क्या करेंगे वी कॉमन है क्योंकि सभी का वोल्टेज सेम है सभी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है सभी का वोल्टेज सेम सेम है है यहां पर भी वी तो तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो सारे कैपेसिटेंस का क्या होता है एडिशन होता है सारे कैपेसिटेंस का क्या होता है एडिशन होता है ये पैरेलल का केस आ गया ये आपके पैरेलल का केस आ गया बड़ा आसान था इसको सॉल्व करना ठीक है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए ठीक है पॉज करके लिख लीजिए इसको अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे सीरीज और पैरेलल पर कुछ वो देखो जो ऐसे सिंपल कॉम्बिनेशन से वो तो आप कर ही लोगे वो तो आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे मैं वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है लिख लिया आप लोगों ने चलिए ठीक है नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखने में कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन क्या है फोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड कैलकुलेट दूल्ड एक्स एन वाई एक्स एन वाई के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखने में लग रहा है आपको क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखने में लग रहा है नहीं ना ना तो ये सीरीज लग रहा है ना तो पैरेलल लग रहा है और लग और कैसा कैसा कॉम्बिनेशन है ये भी कैसे पता करें तो चलिए देखते हैं इसको इसको पहले हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे डायग्राम को सिंप्लीफाई कैसे करना है ये वाला सिखा दूंगा सारे डायग्राम सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे देखो सारे टीचर्स का तरीका अलग अलग है किसी स्टूडेंट को कोई तरीका इजी लगता है किसी को कोई और मेथड इजी लगता है जो मुझे ईजी लगता है जो मे को अच्छे से आता है या जिस मैथड में मे को मास्टर है मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे करेंगे उस चीज को देखिए यहां पर ये पॉइंट एक्से इसको यहां बना लीजिए चुपचाप और एक्स थोड़ी दूर पर ए है इसको बना लीजिए अब आप ये नोटिस करिए कि ए से जो आपका पॉइंट है उससे कैपेसिटर की कौन कौन सी करिएट कने एक तो ये वाला प्लेट कनेक्टेड है और ये A से तार लेके गया और यहां पर जोड़ दिया तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट कनेक्टेड हो गया मतलब पॉइंट ए जो है वहां से जो तार निकली वहां से तीन कैपेसिटेंस आपस में कनेक्टेड है चलिए इस चीज को करते हैं सबसे पहले कौन सा कनेक्टेड है पॉइंट से टू माइक्रोफेड वाला कनेक्टेड है उसका ये वाला प्लेट कनेक्टेड है ठीक है उसके बाद फिर कौन सी प्लेट है उसके बाद आपकी जो है फाइव माइक्रोफर वाले के प्लेट के कनेक्टेड है और कौन सी प्लेट कनेक्टेड है और कौन सी प्लेट कनेक्टेड है उससे आपकी कनेक्टेड है थ्री वाली कनेक्टेड है ठीक है चलिए मैंने बना लिया ये टू वाला था ये थ्री वाला था ये फाइव वाला था चलो ठीक है अब आगे आते हैं अब टू वाले का जो दूसरा प्लेट है अब बी वाले पॉइंट पर आते हैं बी वाले पॉइंट पर तो बी वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो बी वाले से फाइव वाले का एक प्लेट कनेक्टेड है फाइव वाले का तो ये अगर मैं प्लेट बनाता हूं सॉरी अगर मैं ये वाली प्लेट बनाता हूं तो ये जो फाइव की फाइव माइक्रोफेरेट का जो दूसरा प्लेट है वो बी से कनेक्टेड है तो यहां बी पॉइंट बना लिया मैंने कौन सा पॉइंट बना लिया बी पॉइंट बना लिया अच्छा बी से और कौन सी कनेक्टेड है ये तार गई बी से और थ्री वाला का एक प्लेट कनेक्टेड और टू वाले की एक प्लेट कनेक्टेड है तो थ्री वाले की एक प्लेट कनेक्टेड है और टू वाले की एक प्लेट कनेक्टेड है ठीक है हो गया अब बचा कौन सा टेन माइक्रोफेट थे, तो टेन माइक्रोफेट यहां बी और वाई के बीच में देखो ये हो गया सिंप्लीफाई ये सिंप्लीफाई हो गया डायग्राम आपको क्या देखना है कि किस पॉइंट से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है आपका डायग्राम आपके सामने निकल के आ जाएगा ये तरीका आसान है आपको क्या देखना है किस पॉइंट पर कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है उसको उस पॉइंट से बना लो पहले फिर दूसरा पॉइंट पकड़ो फिर देखो उससे कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड बना लो अपने आप फिगर बहुत आसानी से सिंपलीफाई हो जाएगा ठीक है बहुत आसानी से कुछ बच्चे क्या करते हैं वोल्टेज डिवीजन या दूसरे तरीके का यूज करते हैं तो मेरा तरीका जो है ये ज्यादा सिंपल मुझे ये लगता है ठीक है अब यहां पर आपको कॉम्बिनेशन साफ साफ दिख रहा है ये तीनों पैरल में है और उसके साथ ये टेन वाला जो है वो सीरीज में है तो कैसे करोगे पैरल में डायरेक्ट सम कर देते हैं टू थ्री फाइव कितना हो गया दस हो गया ये टोटल दस हो गया और ये जो दस है टोटल ये इसके साथ किसके साथ है ये इस टोटल जो दस दस है आपका निकल के आया पैल कॉम्बिनेशन का वो इसके साथ सीरीज में तो सीरीज में तो सीरीज में क्या करते हैं टू अपॉइंट टेन वन अपॉन सी इक्विवेलेंट तो सी इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे तो फाइव माइक्रोफर आ जाएगा आराम से हो गया कितना टाइम लगा एक मिनट देख करके ऐसा लग रहा था ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है 2023 के बोर्ड्स में पूछा गया ये क्वेश्चन तो देख के लगता है तो आप क्या करिए आप पहले इसको आप देखिए कौन कौन कनेक्टेड है, है फिर दूसरे पॉइंट से देखो आप अपने आप फिगर तुरंत ये चुटकियों में सिंप्लीफाई हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या ये भी वैसे ही है फाइव कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस टेन माइक्रोफेरेट जितने पांच, पांच तो कैपेसिटर करेंगे सेम तरीका लगाएंगे सेम मैं करेंगे. मैं तो कहूंगा कि मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद करो फिर वेरीफाई करो कि आपने सही करा तो मैं पहले पॉइंट ए लूंगा ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है भाई देखो ए से कनेक्टेड है सी फोर और सी वन बस दो कैपेसिटर कनेक्टेड है कनेक्ट करता हूँ लिया इससे कनेक्ट कर दिया मैंने सी वन का एक प्लेट ठीक है एक एक प्लेट कनेक्ट करो ज्यादा जल्दी नहीं है और C4 का एक प्लेट अब पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी से कनेक्टेड है सी वन और सी थ्री और, और एक और है सी टू सी वन सी थ्री सी टू ठीक है और C4 किससे कनेक्टेड है पॉइंट D से कनेक्टेड है C4 किससे कनेक्टेड है point D से। तो अगर मैं C4 का दूसरा जो ये प्लेट बनाऊंगा तो वो कहां आएगा, point D पर आएगा. ठीक है और कौन सा है? Point D से है C3. तो यहां नीचे ले लेते हैं C3 थ्री यहां सी थ्री ले, ले लेते हैं ठीक है और सी थ्री और किससे कनेक्टेड है सी थ्री कनेक्टेड है बी से और बी से कनेक्टेड है सी वन ठीक है तो अगर मैं ये पॉइंट बी ले ले लेता हूं

C3 कनेक्टेड है और कौन कनेक्टेड है और D से C3 कनेक्टेड है तो B से मैंने C3 को कनेक्ट किया और D से भी मैंने C3 को कनेक्ट कर दिया अब एक और बच गया अब बच कौन सा गया आपका जो D से है वो C5 कनेक्टेड है और C uh, C5 C से भी कनेक्टेड है पॉइंट C से तो मैं क्या करता हूं यहां पर D है ना तो यहां पर और B से भी कनेक्टेड है तो सी टू बी से कनेक्टेड है और सी से कनेक्टेड है तो सी पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे कहां पर ले लूँ मैं सी पॉइंट जो मैं बी से भी कनेक्ट करा सकूँ और उससे भी करा सकूँ तो अच्छा एक सेकेंड इस चीज को मैं थोड़ा सा सुधार के बनाता हूं इस चीज को यहां पर मैं यहां पर बना लेता हूं ऐसे बना लेता हूं इसको C4 C4 को ऐसे बना सकता हूं बना सकता हूं बिल्कुल अब यहां पर क्या हो गया अब आपका B से कनेक्टेड है कौन सा B से थोड़ा सा C3 है थोड़ा सा प्रॉपर फिगर बना रहा हूं तभी डायग्राम बन पाएगा ठीक है ये हो गया B, ये हो गया C3, अब यहां से B से कनेक्टेड है C2 और D से भी कनेक्टेड है C5 ये मान लेते हैं C5 और C5 की एक प्लेट C से और C2 की एक प्लेट C से तो ये देखो ये कनेक्शन हो गया ये C से कनेक्ट हो गया अब आप इस अरेंजमेंट को देखो ठीक है आप इस अरेंजमेंट को देखो ये कैसा अरेंजमेंट लग रहा है ये वीट स्टोन ब्रिज जैसा अरेंजमेंट लग रहा है देखो अभी आप चैप्टर थ्री में ना वीट स्टोन ब्रिज एक कंडीशन पढ़ोगे तो वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में क्या होता है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए इसको और अच्छे से बनाता हूं इसको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ये ए हो गया ये डी हो गया मैं बनाता हूं और अच्छे से ठीक है अब आप देखो ये कॉम्बिनेशन ये हो गया आपका ए और डी के बीच में सी फोर हो गया ए और बी के बीच में सी वन हो गया B और के बीच सी थ्री हो गया बी और डी के बीच में सी थ्री हो गया बी और सी के, के बीच में सी टू हो गया और डी और सी के बीच में सी फाइव हो गया हो गया ना अब आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा देखो एक बात बता दूं ये ना तो सीरीज आपको दिख रहा है ना तो पैरेलल आपको दिख रहा है कुछ नहीं है ये एक वीड ब्रिज की कंडीशन है उस कंडीशन में अगर सी फोर यानी ये जो ये जो वाला ये वाला कैपेसिटेंस और इस वाले कैपेसिटेंस का रेशियो इस वाले कैपेसिटेंस और इस वाले कैपेसिटेंस का रेशियो अगर इक्वल आ जाए मतलब इस आम और इस आम के कैपेसिटेंस का रेशियो, इस आम और इस आम के कैपेसिटेंस का रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो इस आम कैपेसिटेंस को हम सर्किट में काउंट ही नहीं करते हैं ये इसमें करंट जाता ही नहीं करेंगे और जो हमारी कंडीशन दे रखी वो रहा कि सबका 10 है इस आम के का रेशियो इस आम और इस आम के कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है इक्वल है तो इस आरम में कोई करंट जाएगा ही नहीं तो आप जब इक्वल निकालोगे तो इस वाले नेग्लेक्ट कर दोगे इस वाले कैपेसिटेंस को क्या करोगे नेग्लेक्ट कर दोगे और जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा तो ये क्या हो गया मान लेते करंट इधर तो करंट यहां से आया तो इसमें बढ़ गया और इसमें बढ़ गया तो ये जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया तो ये दोनों सीरीज में जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया तो ये ये दोनों दोनों सीरीज में और ये दोनों में और करंट बता दोनों आर्म्स में तो ये दोनों का जो सीरीज है ये आपस में क्या है पैरेलल में तो सीरीज कैसे निकालते हैं तो जो ए और ए से सी तक के बीच का जो सीरीज है वो वन अपॉइंट टेन प्लस वन अपॉइंट टेन आ जाएगा तो वन अपॉइंट टेन प्लस वन अपॉइंट क्या आएगा टू अपॉइंट टेन आएगा टू अपॉइंट टेन क्या वन अपॉइंट फाइव तो जो सी इक्विवेलेंट आया क्यूएलेंट आया वो सी क्यू एलेंट को रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे को फाइव मिलेगा फाइव माइक्रोफेट का वैसे इन दोनों में भी टेन टन का है तो इन दोनों का भी क्यूएलेंट कितना आएगा इन दोनों का equivalent 5, 5 आएगा ठीक है सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइव और फाइव दोनों पैलल में फाइव और फाइव दोनों पैल में देखो ये दोनों इसमें इसमें करंट गया और इसमें भी सेम करंट गया तो सीरीज हो गए लेकिन जो करंट था वो इस पॉइंट पर बट रहा था और इस पॉइंट पर मिल रहा है मतलब ये पूरा आम और ये पूरा आम पैल है तो ये आम में टोटल कॉप्शन फाइव है इसमें टोटल फाइव है फाइव और फाइव पैल में तो पैलल में एड कर देंगे डायरेक्ट तो एड करेंगे तो कितना आ जाएगा टेन तो नेट जो इक्यू आ रहा है सी क्यूलेंट जो नेट आ रहा है वो टेन माइक्रो फेड आ रहा है कितना आ रहा है टेन माइक्रो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का देखो आसान क्वेश्चन तो सब कर लेंगे ठीक है डायरेक्ट आ गया तो सब कर लेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन को कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ ठीक है अभी मैं तो चाहता तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे बना देता लेकिन मैं कैसे प्लॉट करना है वो आपको सिखा रहा हूं। कि आपको देखना किस पॉइंट पर कौन सी प्लेट कनेक्टेड है वैसे वैसे प्लॉट करो तो अच्छा आसान लग रहा है उतना टफ भी नहीं लेकिन जब तक तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भी नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिस जरूरी है इस क्वेश्चंस के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है नेटवर्क ऑफ फोर टेन माइक्रोफेट कैपेसिटन इज कनेक्टेड टू अंड्रेड वोट सप्लाई डिटरमाइन दिन ऑफ द नेटवर्क दार्ज ऑन द्लेट देखो यहां पर चार कैपेसिटन है तो आप देख सकते हो जो यहां कैपेसिटन है आपके यहां से पांच सौ वोल्ट दिया आपने तो यहां पर आपका जो है यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो करंट गया तो करंट यहां पर डिवाइड हो गया ना करंट इसमें गया कुछ और कुछ इसमें गया ठीक है अच्छा जो करंट ए से जा रहा है वही करंट बी में भी जाएगा और वही करंट किस में जाएगा सी में भी जाएगा और वापस जो ये करंट है वो इस कैपेसिटर से होते हुए और यहां से आता हुआ जो कर मिल करके वापस से आई करंट बना देंगे यानी कि ये पूरा तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में है और ये तीनों का सीरीज इसके साथ क्या है पैरल में तीनों का सीरीज इसके साथ क्या देखो ये तीनों में सेम करंट जा रहा तो सीरीज में बना करके दिखाता हूं मैं आपको ये तीनों में सेम करंट जा रहा है तो सीरीज में तो पॉइंट ए हो गया ये यहां से इनका सीरीज निकाल लो सीरीज कितना आ रहा है ठीक है नेट ये सीरीज ये सी इक्लेंट है इन तीनों का सीरीज है ठीक है इन तीनों का सीरीज है इनका इक्व निकाल लिया मैंने तो ये सी इक्व बन गया ठीक है और यहां पर एक लगा है कितना सी वन लगाए और ये कनेक्टेड है किससे पांच सो वोल्ट से पांच सो वोल्ट से कनेक्टेड है अगर

ठीक टेन अपॉइन्ट थ्री माइक्रो फेर आएगा अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा अब ये upon, uh, जो है ये सी और इसके साथ में पहलेल में क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो ऐड कर देते हैं टेन अपॉइंट थ्री को ऐड कर देते हैं टेन से तो टेन अपॉइंट थ्री को जब हम ऐड करेंगे तो यह फोर्टी अपॉइंट थ्री फोर्टी अपॉइंट थ्री माइक्रोफेर हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया सी नेट आ गया ठीक है सी नेट आ गया ठीक है ये आ गया फोर्टी अपॉन और अगला पार्ट क्या है तो चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर चार्ज कैसे निकालोगे चार्ज कैसे निकालोगे भाई देखो भाई यहां पर आपको इस कैपेसिटर देखो ये बैटरी से डायरेक्ट C4 आपका बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसको 500 वोल्ट मिल रहा है लेकिन ये तीनों आपके सीरीज में तो इन तीनों में 500 वोल्ट बढ़ जाएगा कहने का मतलब ये पैरेलल है ना तो यहां पर इसको भी 500 वोल्ट मिलेगा और ये C4 है C4 को डायरेक्टली 500 मिलेगा और C1 C2 C3 के इक्विवेलेंट को क्या मिलेगा 500 वोल्ट मिलेगा तो अब क्योंकि वो तीनों सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाएगी तो यहां पर आपको क्या करना है आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे आएगा चार्ज का फार्मूला क्या होता है C अपॉन V होता है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वोल्टेज निकालने के लिए आप चार्ज निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एक कैप को कितना वोल्टेज मिल रहा है हर एक कैपेसिटेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है कैसे निकालोगे ये आपको बस कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है तो आप कैसे करोगे ये काम कैसे करोगे इस चीज को आपको कैसे पता चलेगा कि हर एक कैपेसिटे इसमें कितना चार्ज जा रहा है इतने इसमें कितना चार्ज जा रहा है तो उसके लिए आपको हर एक का वोल्टेज पता करना पड़ेगा वोल्टेज कैसे पता करेंगे हर एक का सोचो थोड़ा वोल्टेज कैसे निकालेंगे क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज में ये तीनों सीरीज में तो 500 वोल्ट तीनों में डिवाइड होगी ये तो डायरेक्टली 500 इसको मिल जाएगा C4 का तो निकालना आसान है C4 में तो आप डायरेक्टली V 500 रख दोगे C आप रख दोगे टेन माइक्रोफेनेट चार्ज आपका निकल के आ जाएगा C4 तो हो गया सवाल उठता है सी वन और सी का कि इसमें कितना चार्ज जा रहा है कैसे निकालोगे तो यहां पर देखो बेसिक सी बात है यहां पर जो चार्ज इसमें होगा वही सीरीज में चार्ज सेम होता है हमने अभी जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे हमने क्या देखा था सीरीज में चार्ज सेम होता है तो जो सीरीज में जो चार्ज इसमें जाएगा 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 वही इसमें इसमें और वही चार्ज तीनों तीनोंट में जाएगा तो हमें पता है है सी सी को को वोल्ट मिल रहा कितना मिल रहा है पांच सो वोल्ट मिल रहा है तो सी क्यूलेंट को अगर पांच सौ वोल्ट मिला तो सी क्यूलेंट था कितना सी क्यूलेंट था जो इन तीनों का सी क्यूलेंट था वो था टेन बाय थ्री टेन बाय थ्री तो आप यहां पर टोटल चार्ज कितना जा रहा है इधर वो निकाल लो टोटल चार्ज कितना जा रहा है सी क्यूरेंट यानी 10 अपॉन 3 अपॉन वोल्ट 500 वोल्ट तो कितना जा रहा है तो ये आपका निकल के आ जाएगा माइक्रो फैरड है ना तो माइक्रो यानी 10 की पावर -6 हो जाएगा ये अपॉन 3 नीचे आ जाएगा 3 500 तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 150 180 हो गया ये लिख दिया की पावर माइनस सिक्स कोलम तो ये चार्ज इसमें जाएगा तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें भी जाएगा तो ये चार्ज आपका जाएगा तीनों में तीनों का चार्ज ये होगा लेकिन इसके लिए सी फोर के लिए आप क्या करोगे सी फोर का तो डायरेक्ट वोल्टेज पांच सौ आपको पता है और इसका कैपेसिटेंस सी फोर का आपको पता है दस तो उसका चार्ज अलग हो जाएगा तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन और आपको जो भी डेरिवेशन वगैरह मैंने मैंने करी आपको समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि कैपेसिटर क्या होता है पैलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है हमारे साथ और इसी तरह बने रहिए। हम आगे और भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के प्रोबेबली लास्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा हमारे साथ बने रहिए थैंक यू